बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ साहब की चारों सूबों के वज़राए आला से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद चारों वज़राए आला जो हैं उन्होंने जो SIFC एक तंजीम है, एक ख़ुसूसी इदारा बनाया गया है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल, इसके इजलास में भी उन्होंने शिरकत की और इस इजलास में वज़ीर आज़म साहब ने ये इशारा दिया है कि कुछ हमें सख्त फ़ैसले करने हैं और इसके लिए हम सब को मिलजुल के चलना चाहिए। तो इसमें जो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं चीफ़ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी जो मौजूदगी है वो एक आम पाकिस्तानियों के लिए खुशगवार हैरत का बायस थी। तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो किन सख्त फ़ैसलों की तरफ इशारा दे रहे हैं और क्या आने वाले दिनों में कोई हमें लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई स्टेबिलिटी आएगी? क्योंकि कल जो अमरीकी की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के इजलास में जो उनके नायब वज़ीर ख़ारजा हैं डोनल्ड लू, उनका जो बयान है उसके बाद तो पाकिस्तान में बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है। तो इन मामलात पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अताउल्लाह तरर साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात, जो कि आज उस SIFC की मीटिंग में भी मौजूद थे। और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ताज हैदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और जनाब शौकत यूसुफ़ज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और हमें वो पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तारड़ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आज वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ साहब की सदारत में जो इजलास हुआ उसमें उन्होंने कुछ सख्त फैसलों की तरफ इशारा दिया और उनके सामने अली अमीन गंडापुर साहब भी बैठे हुए थे, तो किन सख्त फैसलों की तरफ जा रहे हैं हम? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए, जो मईशत के हालात हैं, हमें इस बात का पूरी तरह इदराक है कि जो बैरूनी और अंदरूनी कर्जा है वो बहुत उसमें इजाफा हो चुका है और सॉरी एक्सक्यूज़ मी, और मईशत की बहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह, उसके लिए कुछ फ़ैसले PM साहब ने आज ऐलान भी किया, SIFC की मीटिंग में डिस्कस भी हुए। उसमें देखिए, एक तो जो टैक्स पेयर है, अच्छा टैक्स पेयर और बुरा टैक्स पेयर, हमें अच्छे टैक्स पेयर को किसी न किसी एजाज़ से नवाजना होगा। और PM साहब ये इरादा रखते हैं कि वो बुलाएंगे जो इस मुल्क में लोग टैक्स देते हैं, बर वक्त देते हैं और उतना टैक्स देते हैं जितना उन पर लागू होता है। और टैक्स के अफसरान हैं जो फ़र्जशनास हैं, ईमानदार हैं, उनको बुला के ऑनर किया जाएगा। मगर जो लोग टैक्स नहीं देते, अब ब्लैक इकॉनमी आपकी बहुत बड़ी है और जब हाथ डाला जाता है वावेला हो जाता है, शोर हो जाता है। देखिए, जो ब्लैक इकॉनमी है, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, जो कच्ची रसीदों पर आज तक सिस्टम चल रहा है, उसका बोझ आप और मैं बर्दाश्त करते हैं, गरीब आदमी बर्दाश्त करता है कि वो टैक्स देते नहीं मगर आसाइशें वो सारी लेते हैं। एक तो उनको हाथ डालना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, टैक्स के वो अफसरान जो ईमानदार नहीं हैं, जो पोर्ट के ऊपर पोस्टेड हैं मगर किसी न किसी बड़े आदमी को फेवर देने के लिए, टैक्स ड्यूटी कम करने के लिए कागज़ों की हेर फेर करते हैं कि इंपोर्ट और चीज़ की जाती है, दिखा और दी जाती है। ये कच्चे के डाकू नहीं, ये पक्के के डाकू, ये पक्के के डाकू हैं, बिल्कुल हैं। तो इन पे हाथ डालना इंतहाई ज़रूरी है कि आप सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, सरकार ने आपको जिम्मेदार बनाया है टैक्स कलेक्शन का, उन पे हाथ डाला जाएगा। और देखें, प्राइवेटाइजेशन के फैसले भी जो किए जा रहे हैं, जिसमें PIA का काफ़ी हद तक मामला आगे बढ़ चुका है, एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग है, उसके अलावा फर्स्ट विमेन बैंक है, आपके पोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस खसारे में हैं उनको मुनाफा बख्श करने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। तो ये सारे फैसले लेने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। मगर एक बात मैं करता चलूँ, आज अली अमीन गंडापुर साहब ने SIFC में भरपूर तावन की यकीन दहानी कराई और उन्होंने कहा कि हमारा सूबा SIFC में भरपूर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अपने सूबे के रेवेन्यूज़ की भी बात की कि जो शेयर बनता है वो मिलना चाहिए, मगर उन्होंने कहा कि हम हर तरह से हाजिर हैं कि जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी के लिए ज़रूरी इकदाम आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा का सूबा उसमें पूरा कंट्रीब्यूट करेगा। अच्छा ताज हैदर साहब, ये आज जो इजलास था SIFC का, उसमें तो आपके चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब भी मौजूद थे, यकीनन उन्होंने वहाँ पे अपनी बात की है, लेकिन ये जो सख्त फैसले जिनका इशारा दिया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, तो उसमें प्राइवेटाइजेशन भी है और उसमें ख़ास तौर पर PIA की प्राइवेटाइजेशन भी है और भी जो अहम इदारे हैं उनकी भी प्राइवेटाइजेशन है। तो क्या आप समझते हैं कि इन इश्यूज़ पे जो सिंध हुकूमत है वो वफाक के साथ बाकायदा उनके कंधे के साथ कंधा मिला के चलेगी? नहीं, जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन का सवाल है तो देख लिया जाए इसको। प्राइवेटाइजेशन अगर मुल्क में कामयाब हुआ है तो बिस्मिल्लाह करें, लेकिन अगर 95% इदारे बंद हो गए और लोग बेरोज़गार हो गए तो फिर मेरे ख्याल से ज़रा सोच लें इसको कि किस तरीके से इसको आगे चलाया जाएगा। अच्छा। हम भी एक तरीक़ा दे रहे हैं कि किस तरीके से आप इन इदारों को बदल सकते हैं, और वो सीधा सीधा ये है कि आप जो शेयर्स हैं वो स्टॉक मार्केट के थ्रू उनकी मार्केट वैल्यू पे आप डिसइन्वेस्ट करें, ताकि एक 10,000 20,000 रखने वाला भी उसके शेयर, उसका भी इंटरेस्ट उसके अंदर हो जाए और वो एनुअल जनरल मीटिंग के एजीएम के अंदर आ सके। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कर सकते हैं, और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के मतलब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अगर बाकी एयरलाइनें चल रही हैं तो हमारी जो सरकारी एयरलाइन है जो एक ज़माने में इतनी अच्छी चलती थी, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, वो क्यों यहाँ तक आ गई। तो उसको अगर समझे बगैर आप कहें कि चलो जी बेच दो, ख़रीद लो, ये कर लो, ये जल्दी के फैसले मेरे ख्याल से बेसोचे समझे शायद मुनासिब नहीं है। अच्छा, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो अपने ताउन की यकीन दहानी करवा दी है, लेकिन आपके सूबे के कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप चाहते हैं कि तरजीही बुनियादों पर वफाक की तरफ से उन पर तवज्जो दी जाए और वो हल किए जाएँ? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, ये नियतों पे भी मुनसर है कि नियतें क्या होंगी, और सुबह काफ़ी मुश्किल में इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल आप देख सकते हैं। फिर हमें जो फाटा मिला था, फाटा का जब मर्जर हुआ सूबे के साथ, तो तमाम सूबों ने ये यकीन दहानी कराई थी कि हम उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। किसी सूबे ने सिवाय खैबर पख्तूनख्वा ने, बाकी किसी सूबे ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। आज तक वहाँ इश्यूज़ हैं, अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है फाटा के अंदर। अमन अमान की सूरत हाल भी आपके सामने है, क्योंकि ये तो एक रियासती इशू है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का इशू ना बनाया जाए। इससे अक्सर जब हम देखते हैं तो वो कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा इनसे नहीं संभाला जा रहा, तो ये रियासती इशू है, रियासत इस पर पॉलिसी बनाए कि अफगानिस्तान के साथ या वहाँ से जो चीज़ हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन सूबा है, उसके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर ये वहाँ से हमें बैठ के गद्दार गद्दार कहेंगे, ये यहाँ वहाँ पे बैठ के हमें उकसाएंगे, तो ज़ाहिर है उनको जवाब भी उसी तरह मिलेगा। बाकी हम पूरा पाकिस्तान में एक ही पाकिस्तान के लोग हैं। अगर हम बिजली बनाते हैं और पंजाब उससे इस्तेफादा करता है तो हमें खुशी होती है, वहाँ से अगर गंदम आती है तो हमें खुशी होती है। लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये बराबरी की बुनियाद पर होगा। ये नहीं हो सकता कि आप वहाँ बैठ के हमें गालियाँ दें और हमसे एक्सपेक्ट करें कि जी आप अली अमीन गंडापुर, शुरू दिन से हमने कहा था कि वो वज़ीर-ए-आज़म से मिलने के लिए भी तैयार है, अपने सूबे के हकूक़ के लिए। बाकी सियासत है, सियासत वो अपनी करें, हम अपनी सियासत करेंगे। लेकिन वहाँ बैठ के जिस अंदाज से धमकियाँ मिलती रहीं, तो ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये अफोर्ड नहीं कर सकता है पाकिस्तान। मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है जो इस वक्त हमारी माली सूरत हाल है वो डेफिनेटली इसी पे हम जाएंगे, और ये अकेला इसको संभाल भी नहीं सकते। जो IMF की शराइत हैं, ये बिजली अभी महंगी हो गई है, अभी और अप्रैल मई में आप जाएंगे तो इसके बिल जब ज़्यादा आएंगे, तो ये जो आवाम है ना, फिर बेशक कोई पार्टी एहतजाज ना करे, आवाम जब सड़कों पे निकलेगी तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? वो सिर्फ एक तारीख इंसाफ है जिसकी आवाम मानती है, उस पर एतमाद करती है। तो ये सारी सूरत हाल है, इसमें सिर्फ ये ना देखा जाए कि हमने हुकूमत संभाली है वफाक में भी, पंजाब में भी, और हम जो है ना पाकिस्तान को चला लेंगे। तो मैं अल्लाह करे कि पाकिस्तान चले, लेकिन पाकिस्तान तब चलेगा जब आप तमाम स्टेक होल्डर को आप साथ लेंगे। आपने मैंडेट चोरी कर लिया, आपने हुकूमत बना ली, अब आप धमकियाँ दे रहे हैं, तो इससे जो है ना, इससे सूरत हाल ठीक नहीं हो सकती। हम इस सूरत में तावन करेंगे कि इस वक्त जो दहशतगर्दी का सामना है खैबर पख्तूनख्वा को, उसमें हमें तावन देना, हमें अब हमारा सारा 1,15,000 अरब रुपए जो हमारे बकायजात है वो हमें दे। बेशक आप पूरे ना दें, थोड़े थोड़े करके दें, लेकिन एकदम अगर आप बंद करेंगे तो फिर हम हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हम आज भी अली अमीन गंडापुर साहब ने जो इजलास हुआ था सुबह, उसमें 3 अरब रुपए उन्होंने देने का फैसला किया, किस चीज़ के लिए कि पुलिस को वेल इक्विप्ड किया जाए। तो ज़ाहिर है ये वसाइल हमारे पास होंगे तो हम पुलिस को वेल इक्विप्ड करेंगे। हमारी फ़ौज कुर्बानी दे रही है सरहदों के ऊपर, लेकिन इसके लिए एक मुस्तकिल पॉलिसी की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कहे कि जी आप सूबा आप संभालें। ये इंटरनेशनली एक इशू बना हुआ है, अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसका इशू बना हुआ है हमारे साथ। उस इशू से निमटने के लिए पूरे पाकिस्तान को मिल बैठ कर फैसला करना होगा। अगर आप सिर्फ ये कहें कि खैबर पख्तूनख्वा संभाले, तो हमने पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी फ़ौज ने भी दी है, हमारी पुलिस ने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है। आप देखें कि हमारे इमरान खान के आने से पहले कितने ड्रोन हमले होते थे, कितने हालात ख़राब थे, लेकिन ये कि वफाक का इसमें ताउन बहुत लाज़मी है। ठीक है, वफाक ताउन करेगा, हम 10 गुना ताउन करेंगे। अच्छा, अब अताउल्लाह तारड़ साहब जिस तरह वो इशारा कर रहे हैं, मैं ज़रा खुल के बात कर देता हूँ कि एक तरफ SIFC की मीटिंग में अली अमीन गंडापुर साहब आज दोबारा शरीक हुए, तो उसके कुछ देर के बाद आज शाम को पंजाब की एक जो सूबाई वज़ीर साहब हैं वो हमारे ही चैनल पे बड़ी सख्त तनकीद कर रही थी अली अमीन गंडापुर साहब पे, और वो उनका एक बयान है रिश्वत खोरों के बारे में, उस पर उसके हवाले से, और उनका जो वारंट गिरफ़्तारी जारी हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि आपका क्या ख्याल है, जिस दिन अली अमीन गंडापुर साहब SIFC के इजलास में आए हैं, वज़ीर आज़म के साथ उनकी मुलाकात हुई है, क्या ये ज़रूरी है कि उसी दिन उनकी मैं मीर साहब आपकी टारगेट किलिंग करने की कोशिश की जाए? आपका काम आसान करते हैं। देखिए, बात यह है अली मीन गंडापुर पर भी प्रेशर है। हाँ। प्रेशर क्या है? बतौर वज़ीर आला एक प्रेशर है। हाँ। कि मैंने सूबे के मामलात को खुश असलूबी से लेकर चलना है, वफाक से ताबुन ना किया, सूबे का नुकसान होगा, सूबे के अवाम का नुकसान होगा। वो जेल मुलाकात करने जाते हैं तो वहाँ कहा जाता है, हाँ भाई आ गए हो, बड़ी तस्वीरें खिंचा के आए हो तुम, तुम्हें क्या जरूरत है तस्वीरें खिंचाने की। अब वहाँ से डांट डपट होती है, एक सियासी वर्कर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, हम समझते हैं इस बात को। तो वो बाहर आके मरियम बीबी के बारे में अगर कोई बात करेंगे तो फिर उसका जवाब बनता है, जज्मा बुखारी ने दिया। और देखिए, ये कह देना कि जो रिश्वत लेता है उसका सर फाड़ दें, पाकिस्तान में लिंचिंग्स हुई हैं, आपको सियालकोट के वो 2 बच्चे याद होंगे, वो माँ के 2 ही बच्चे थे जिनको सरेआम जो है वो कत्ल कर दिया गया था। सर फाड़ देना और फिर कहना कि अगर उसके रवायकीन पूछें, खुदा ना खास्ता अगर उसकी मौत हो जाए, तो कहना कि हमने तुम्हारे बाप को जहन्नम से बचा लिया। देखें, ये एक मुल्क है, ये एक सूबा है, यहाँ पे संजीदगी हमें रिक्वायर्ड है। पाकिस्तान में कानून मौजूद है। तो ये आज जो मीटिंग थी उसमें गंडापुर साहब से ये बात कर लेनी चाहिए थी कि इस तरह का बयान ना दिया। उनका बड़ा मुस्बत आज रवैया था। हाँ, अच्छा। और वो चारों चीफ मिनिस्टर इकट्ठे बैठे थे। अच्छा। और उन्होंने मुस्बत बात की और मुल्क के हवाले से बात की, इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की। मेरा उनको मशवरा ये है, मुफ्त मशवरा है कि आप मेहरबानी करें एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाएं, आप अपने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को मजबूत करें, उनको इंसेंटिवाइज करें, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके दें, करप्शन को रोकें। अगर आप लोगों को ये कहेंगे कि ईंटें पकड़ लो, लोगों के सर फाड़ना शुरू कर दो, तो एनार्की और केओस होगा। कानून है एक मुल्क के अंदर। अच्छा, अच्छा, जो सिंध हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ चल रहे हैं वफाक के साथ। मसलन जो सिंध गवर्नमेंट है वो कह रही है जी कि हमने आपको IG के लिए कुछ नाम भेजे हुए हैं, आप जल्दी IG का तकर्रुर करें। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कह रही है जी चीफ सेक्रेटरी के लिए नाम भेजे हुए हैं, जल्दी चीफ सेक्रेटरी का तकर्रुर करें। नहीं हो रहा काम, तो क्या ये इन इश्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम नहीं होगा? देखिए, मैं समझता हूँ ये मसाइल जल्द अज जल्द हल होने चाहिए। हमें इदराक है, हमारे दरवाजे खुले हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के भी दरवाजे खुले हैं, जब ये चाहें इस पर बैठ के मीटिंग भी हो सकती है, खुश असलूबी से इन मामलात को रिजॉल्व भी किया जा सकता है। आज हमने सूबों से एक और डिमांड भी की है। मीर साहब, बिजली चोरी इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। अब जो लोग कानूनी तौर पे बिजली के बिल देते हैं और उन्होंने कुंडे नहीं लगाए हुए, लाइन लॉस कोई नहीं करते, अच्छे शहरी हैं, महंगाई का बोझ भी बर्दाश्त करते हैं, उनका क्या कसूर है कि कुछ लोग जो हैं वो बिजली चोरी करते हैं? अब सूबों को ये भी कहा है कि चीफ सेक्रेटरी साहिबान के ज़रिए, IG साहिबान के ज़रिए हम ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इसका तदारक किया जाए, और सूबों ने इसमें मदद करनी है। और चारों सूबों ने यकीन दहानी कराई है कि जो बिजली चोरी है इसमें हम आपकी मदद करेंगे और इसको रोकने में पूरी रोकथाम के लिए कैंपेन चलाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आज बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, एक मुश्तरका मफादात काउंसिल की भी मीटिंग होगी आने वाले चंद महीनों के अंदर, और यहाँ पर भी हम मीटिंग PM हाउस में भी करेंगे। हमारे दौरे होते हैं तो हम वज़ीर आला से वहाँ भी मिलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इंतजामी उमूर भी इतने पेचीदा नहीं हैं जितने नज़र आ रहे हैं, और ये जल्द हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ताज हैदर साहब, ये जो IG सिंध की तकर्री का मसला है, क्या आपके ख्याल में ये कोई इतना अहम मसला है कि ये जल्दी हल होना चाहिए? क्योंकि आपके सूबे के बहुत से लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जी आजकल सिंध में जो कच्चे के इलाके हैं वहाँ पर डाकुओं का राज है, और सिंध पुलिस जो है उसको एक सही सरबराह की ज़रूरत है जो कि डाकुओं के ख़िलाफ़ एक भरपूर ऑपरेशन कर सके। तो कितना ज़रूरी है IG सिंध की तकर्री का मामला? तो ये IG सिंध की तकर्री मसला कब से हो गई? भाई, एक फ़ाइल भेजी है आपको, आप उस पर फैसला करके वापस कर दें। 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, चलिए 3 दिन ले लीजिए। ये मसला कब से हो गया? लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट आई है हमने बड़े पैमाने किए हैं क्योंकि केयर टेकर्स ने सिर्फ इस ख्याल से कि हम इलेक्शन जीतना जाएं उन्होंने बहुत से लोगों की तब्दीलियां की थी। अब उसके नताइज जो हैं वो अच्छे नहीं आए। एक तो बड़ी बात ये हुई कि हम इलेक्शन भी जीत गए, इससे भी बड़ा। दूसरे ये कि जो इंतज़ामी मामलात हैं वो भी। अब ये जहाँ गड़बड़ है ये मैं ज़रा सा आपके खिदमत में पेश करूँ। ये और अभी एक बहुत बड़ी ट्रेजडी हुई, हमारे मोहतरम उस्ताद शहीद अल्लाह रखियो उनको डाकुओं ने मार लिया और वो सिंध पुलिस की इंतहाई गफलत का नतीजा है। यानी उन्हें पता था और उन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया और हमारे उस्ताद इतने डेडिकेटेड उस्ताद इस तरीके से शहीद हुए। दिस इज़ अ ग्रेट लॉस फॉर अस। दूसरे ये कि यहाँ तीनों सूबे मिलते हैं तो एक सूबे में क्राइम करके और आदमी आराम से दूसरे सूबे में चला जाता है। मुल्तान में अगवा किया गया और वो उसको सिंध में ले आए। मुल्तान से लेके गुद्दू तक दरियाए सिंध पे कोई 300 किलोमीटर के अंदर ब्रिज नहीं है क्योंकि वो सराय के इलाका है। तो ये जो फोर्सेस की मूवमेंट है इसके अंदर प्रॉब्लम होती है। डाकुओं की मूवमेंट जो है वो नहीं रुकती। हमने बलूचिस्तान की हुकूमत गुज़िश्ता जो थी उसके साथ एक एग्रीमेंट कर रखा था, यानी बिल्कुल सोबतपुर से लेके और हब तक हम और वो कोऑपरेट करते थे। गजनाए हो या कीर्थर का इलाका हो या हब का इलाका हो, हम वो कोऑपरेट करते थे हब टाउन तक और उससे काफ़ी बेहतरी हुई थी। गुज़िश्ता हुकूमत में हमने गुज़िश्ता हुकूमत के वज़ीर आला से भी कोशिश की कि इसमें पंजाब भी शामिल हो जाए तो वो नहीं शामिल हुए और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती रहीं। लेकिन अगर हम ट्रांसफ़र्स कर रहे हैं, एसएसपी बदल रहे हैं, एसपी बदल रहे हैं तो जाहिर है कि वो नए आईजी के मशवरे से करेंगे ना। तो आप इसको मसला बना के बैठ गए कि ये एक विफाक और सूबे के दरमियान एक मसला है। ये है भाई, एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, उस गवर्नमेंट ऑफिसर से हम काम लेना चाहते हैं। आप क्यों रोके बैठे हैं फाइल, मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा, ये जो छोटी छोटी चीज़ों को मसला बना दिया जाता है ये पता नहीं क्या बात है। तो हर वक्त इसी में लगे रहते हैं, दो पार्टियां भी लड़ती रहती हैं हर वक्त। अरे भाई, लोग गुर्बत, बेरोज़गारी, ये तमाम चीज़ें हैं तो कभी इसके लिए भी टाइम निकाल लें थोड़ा सा। ठीक है, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ये बताएं कि ये IMF की तरफ से बहुत से मुतालबात किए जा रहे हैं। वो कह रहा है जी NFC अवार्ड जो है उस पर भी नज़रसानी की जाए, सूबों को बहुत ज़्यादा रहा है इस अवार्ड की वजह से। तो इस मामले पे आपकी क्या राय है कि क्या IMF के कहने पे NFC अवार्ड पे भी दोबारा नज़रसानी होनी चाहिए? देखिए, अगर सूबों से ज़िलों तक जो वसाइल की तकसीम है ना, ये तो इमरान खान की अपनी भी पॉलिसी है। आपको पता है कि हम सबसे ज़्यादा उन्होंने यही कहा था कि MPs MNS को फ़ंड देने की क्या ज़रूरत है। फ़ंड तो निचले लेवल पे उन लोगों का काम है जिसने सड़कें बनानी है, जिन्होंने स्ट्रीट बनानी है। ये जो ऊपर के लोग हैं इनको सिर्फ कानून साजी के लिए, बदकिस्मती से ये तो एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हुआ कि MPs MNS को फ़ंड मिलते रहे और वो एक करप्शन का सिलसिला चलता रहा जिससे हुकूमतें बनती रही, बिगड़ती रही। मैं ज़ाती तौर पे भी और जो खान साहब की अपनी पॉलिसी है वो ये कहते रहे कि बल्दियात को मजबूत करें। तो ये तो तभी होगा जब ये NFC में ये चेंजेस आएंगे और बाकायदा ये तो तरमीम के ज़रिए हो सकती है ना। तो इसके अलावा जो टैक्स बेस की बात हो रही है, देखिए जी, जब तक आप गरीब आदमी तो पैसा बाहर नहीं ले जा सकता है ना। जो लोग पैसा ले जा रहे हैं वो सारे वही लोग हैं जो हुकूमतों में रहते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वही पाकिस्तान का पैसा बाहर ले जा सकते हैं। गरीब आदमी तो नहीं ले जा सकता। गरीब आदमी तो वहाँ से कमा के रेमिटेंस की सूरत में भेज रहा है पाकिस्तान को। तो ये चीज़ें खुद अपने से शुरू करनी पड़ेगी हमें कि जो जो लोग पैसा बाहर ले जा रहे हैं उनको मेहरबानी करें अब ना ले जाएं। जितना चला गया है पाकिस्तान से बाहर उस पर गुजारा करें, बाकी पाकिस्तान में पाकिस्तान को छोड़ दें। क्योंकि टैक्स बेस जो है ना ये बढ़ाया जा सकता है। अगर आप टैक्स ज़्यादा करेंगे, इस वक्त पाकिस्तान में पता नहीं कितने किस्म के टैक्स हैं, समझ ही नहीं आ रही है। एक साबुन की टिकिया खरीदें तो उस पर कितने टैक्स आपको देने पड़ रहे हैं। मैं अभी अपना बिल कल देख रहा था, सुई गैस का बिल आया था, 54,000 रुपये का बिल आया। अब वो 54,000 के बिल में पता नहीं कौन कौन से टैक्स उसमें शामिल है। तो टैक्स, एक किस्म का टैक्स लागू कर दिया जाए कि जी ये टैक्स है, बल लोगों की जान छोड़। ये क्या 10 किस्म के टैक्स आप मेंशन करके लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है। ये आपकी बात दूसरी जो अहम बात जो इन्होंने की, जी जी बोले आपकी बात पूरी करें। इन्होंने जो बिजली चोरी की बात की ना, अमीर साहब, जो इन्होंने बिजली चोरी की बात की, देखिए बदकिस्मती है कि आप जिस मैं खुद यहाँ रहा, हमने तो बड़ा ताउन किया उनके साथ कि जी आप बिजली चोरी को ख़त्म करें, क्योंकि लोगों को बिजली मिलनी चाहिए। अब चोरी कैसे ख़त्म करेंगे? ये मीटर नहीं लगाते हैं जी, मीटर कितनी दफ़ा इनसे यहाँ मुज़ाकरात हुए, पूरे पूरे गांव में मीटर नहीं है, वहाँ से लाइन गुजरी है, लोगों ने कुंडे लगाए हैं और वो कुंडों के उनको पैसे अदा करते हैं जो वहाँ पे लोकल बंदा होता है। वो पैसा कहाँ जाता है अल्लाह जाने, ये तो इनसे पता करना चाहिए कि कहाँ जाता है पैसा। दूसरा, आप बार बार जो है ना, हमारे इलाके का एक वो है MNA साहब हैं, वो जब हार जाते हैं तो तब वह दोबारा उनको वहाँ पे एडवाइज़र बना के फिर वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा के जो वफाकी इदारे वो उनके हवाले कर दिए जाते हैं, उसमें ये बिजली भी है, वापडा भी है। तो वो जो इस तरह अगर आप कहते हैं कि जी करप्शन ख़त्म कर देंगे हम, तो ये करप्शन कभी ख़त्म नहीं होगी। इसके लिए पूरा एक इदारती एक्शन लेना पड़ेगा आपको। हम आपके साथ तावन करेंगे, आप कहेंगे कि जी बिजली चोरों को पकड़े, हम पकड़ेंगे, लेकिन आप आए तो सही हमारे साथ, चलें। आप हमको बताते हैं कि जी अब हमारा MPA था फजल, वो मीडिया को लेके गया कि जी ये देखें कुंडे लगे हैं, वो आके हंसते रहे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ना वो मीटर लगाते हैं। तो देखिए इस तरह ये अच्छी बात है ना, बिजली चोरी खत्म होगी। अगर वफाक और सूबे की हुकूमत कुंडा लगाने वालों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन करे तो सिंध में भी और पंजाब में भी, और पंजाब में खास तौर पे लाहौर के बहुत से इलाके जो हैं, बड़ी बड़ी मार्केटें, वहाँ पे भी कुंडा लगा हुआ है, वहाँ पे भी ऑपरेशन होना चाहिए। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। और बहुत बहस हो रही है पाकिस्तान में कि एक अमरीकी हुकूमत के नुमाइंदे डोनल्ड लू ने कल जो अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी के अजलास में गुफ्तगू की है, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्होंने जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उनका जो नैरेटिव है, उनका जो बयानिया है, उसकी तरदीद कर दिया है। सुने वो क्या कह रहे हैं। This conspiracy theory is a lie. It is a complete falsehood. I have reviewed the press reporting related to this, what's called the cipher in Pakistan, the alleged leak diplomatic cable from the embassy here. It is not accurate. At no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. We have said publicly and privately that we want to see transparent and credible investigation of election irregularities. Will be an impediment to our relationship if Pakistan does not have a democratic process that upholds its own constitution. अच्छा, अब इनका जो बयान है तो बहुत लंबा, दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में वो कह रहे हैं जी कि जो साइफर के हवाले से इमरान खान ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया वो गलत है, और जो यहाँ से जो यानी कि वाशिंगटन से साइफर गया पाकिस्तान में, उसमें हम पे मुदाखलत की का तो इल्ज़ाम ही नहीं लगाया गया। तो क्या ये सवाल नहीं पैदा होता कि इसका मतलब ये है कि जो पूरा साइफर केस है उसको झुटला दिया अमेरिका ने, और जिस केस का सामना इमरान खान को, शाहमुद कुरैशी और बाकियों को, वो केस भी बेबुनियाद है। देखिए, इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम ये है कि साइफर के मंदरजात को उन्होंने अपना सियासी रंग दिया, पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ रंग दिया। उसकी जो इंटरप्रटेशन तशरीह है, ये मामला तशरीह का है। साइफ़र मौजूद है, असद मजीद जो थे हमारे एम्बेसडर, उन्होंने एक साइफ़र लिख के भेजा कॉन्फिडेंशियल। इमरान खान साहब की एक ऑडियो आपको याद होगा, मुझे चीज़ें अल्लाह का शुक्र है याद रहती हैं, मेरे साहब आपको भी याद कर। आज़म खान साहब हैं उसमें, आज़म खान साहब ये क्या कह रहे हैं, आज़म हमने खेलना है इसके साथ, आज़म हमने खेलना है इसके साथ। अब जब आपके हाथ ऐसी चीज़ आए नेशनल सिक्योरिटी की, जिस पे कॉन्फिडेंशियल टॉप सीक्रेट लिखा हो कि आपने बतौर वज़ीर आज़म किसी को बतानी नहीं है, आप हल्फ उठाते हैं, हमने हल्फ उठाया किसी गैर मुतलका शख्स को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा जो बतौर वज़ीर आज़म मेरे नोटिस में लाई जाएगी। आपने पहले दिन हल्फ उठाया अल्लाह के नाम पर, उसके बाद आप पे ये बिल्कुल लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल, आपने उसको गलत तशरीह दी, आपने लहराया, फिर आपने बाद में कहा वो साइफर था ही नहीं। पूरी कौम को एक बयानी के पीछे लगा दिया, मीर साहब मेरे गांव में लोगों ने स्टिकर लगा लिए हम कोई गुलाम है गाड़ियों के ऊपर। अब उन स्टिकरों का क्या करना है, उनको उतारना है, लगाना है, गुलाम है नहीं है, ये क्लियर होनी चाहिए चीज़। और देखें, डोनाल्ड लू ने बड़ी क्लियर बात की, और ये डोनाल्ड लू की हेयरिंग किसने रखवाई, हमने तो नहीं रखवाई, लॉबिस्ट फर्म्स अमेरिका में हायर की तरीके इंसाफ ने। हर इलेक्शन के बाद हेयरिंग होती है। आज मैं देख रहा था हकानी साहब ने भी लिखा हुआ था ट्विटर पर कि जी हम हर इलेक्शन के बाद हेयरिंग होती है, मगर ये हेयरिंग रखवाई, वहाँ पे पहुँचे, शोर शराबा किया, कमरे से बाहर निकाला गया। साइफर का पूरा केस ये है कि आपने झूठ बोला, आपने पाकिस्तान के दुश्मनों को फ़ायदा देने दिया और पाकिस्तान का आपने नुकसान किया। ये तो केस स्ट्रांग हो गया है। और एक और बात जो ख़तरनाक बात है, वो ये है कि आपने असम्बलियाँ तहलील किसकी बेस पे की थी। आपने असम्बलियाँ तहलील की थी इस बुनियाद पे कि ये साइफ़र आया है और साइफ़र कासिम सूरी ने स्पीकर की चेयर पे बैठ के लहराया था। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट मौजूद है उमर ताबंदियाल साहब की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो असम्बलियाँ टूटी इसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए और आगे उसकी कंडीशन बताई। तो क्या अब जब ये सारा बयान सामने आ गया है और साइफ़र को झूठ करार दे दिया गया है बकौल उसके जिसके मुतल्लिक आप ये कहते रहे हैं कि इसने हमारी हुकूमत गिराने का जो है वो थ्रेट दिया था और दूसरा इलेक्शन का भांडा उन्होंने फोड़ दिया। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन मौजूद है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तहफ्फुज़ात होंगे, मगर 5000 आज़ाद मुबस्सिरीन फील्ड के अंदर थे जब ये इलेक्शन हो रहा था, तो उसकी तहकीकात इलेक्शन कमीशन कर रहा है। जो ये जिस तवक्को से ये गए थे ना, और आज गौहर खान साहब का मैं बयान देख रहा था, अब तो इनके पास बात ही नहीं कुछ करने को। जब अमेरिका में बैठ के आपको झूठा कह दिया गया कांग्रेस की सब कमेटी की हेयरिंग के अंदर और क्लियरली कह दिया गया कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो ये तो शर्मिंदगी की बात है। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने जितने कौम से झूठ बोले माफ़ी मांगनी चाहिए और इनको कौम को बताना चाहिए कि हमने सियासी मफाद की खातिर ये बयानियाँ घड़ा था। तो फिर आप SIFC की मीटिंग में फिर झूठे लोगों से आप ताउन ना मांगे। नहीं देखें, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस पर। आपने इंपोर्टेड हुकूमत का, आपने अमरीकी साजिश का, आज उसका भांडा फूट चुका है, रोज़े रोशन की तरह आया है, मगर इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर इनके साथ मिल के चलने को तैयार हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ताज हैदर साहब, ये जो डोनल्ड लू ने पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से कोई बातें की हैं, ये ठीक है, इंतखाबात के हवाले से बहुत से पाकिस्तान में लोगों के तहफ़ुज़ात हैं, लेकिन अमरीकी हुकूमत का नुमाइंदा अपनी ईवान नुमाइंदगान की फ़ॉरेन रिलेशंस कमेटी में बैठ के जब ये बातें करता है, तो क्या ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत नहीं है? नहीं नहीं, वो तो ही इज़ अ सिंपल ब्यूरोक्रेट जो कि अपने स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी को जो उनको दिया गया है कहते हैं, तो मेरे ख्याल से इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें एक नया कोड बनाना पड़ेगा साइफर के लिए जी के, और उस कोड को हमें तमाम सिफारत खानों में भेजना पड़ेगा और उसको प्रैक्टिस करने पड़ेगी उस कोड के ऊपर। दूसरी चीज़, शायद वो जो रवैया गैलरीज़ के अंदर किया, आखिर को वो अमरीकी अवाम का एक मंतखब ऐवान है, हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए और हमें इस किस्म का रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए जिस पर वहाँ से हमें बाहर निकलना पड़े। तो ये जो रवैया किया गया, ये इसके आगे जो भी पाकिस्तान का इलेक्शन है वो हमारा मसला है। हमने 2018 के इलेक्शन में 98 पेज का, जिसकी शायद मैंने नकल आपको भी भेजी थी, एक जो स्टेटमेंट था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो हमने दिया था और ठीक है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन सबूत के साथ हमने 2018 के इलेक्शन में कि किस तरीके से वहाँ से निकाला गया था पोलिंग एजेंटों को, वो हमने दिया था और वो हमारे पास मौजूद है। जिसको भी नकल चाहिए हम उसको पेश कर सकते हैं। इस इलेक्शन में भी शायद सबसे ज़्यादा जो शिकायत हैं सबूतों के साथ, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन सेल की तरफ से गई हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लू साहब क्या कहते हैं हमारे उसके लिए 10,000 मील से बैठ के, मेरे ख्याल से ये उनका मसला है, हमारा मसला बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आपने जो शिकायतें भेजी हैं आपने जो शिकायतें भेजी हैं उस पर इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई भी तो करनी चाहिए ना। फिलहाल कार्रवाई कितनी हुई है ये भी एक अलहदा से, हाँ कोई हुई है कार्रवाई, कुछ पे कार्रवाई हुई, कुछ पे जो एक मौके की बातें थीं उस पे कार्रवाई हुई, जो ये थी कि जिनको ट्राइब्यूनल में ले जाना था या जिनकी हेयरिंग होनी थी वो अपने कानूनी प्रोसेस के अंदर चली गई हैं। और हमारे लोग, और मुझसे तो सहाफ़ी इस्लामाबाद के ये कह रहे थे कि आपने परेशान कर दिया ख़त लिख लिख के, तो लेकिन बहरहाल सबूत। अच्छा मुझे प्रोड्यूसर परेशान कर रहा है, कह रहा है ब्रेक ले लो यार, ब्रेक ले लो, तो मैं उसकी परेशानी दूर करने के लिए एक ब्रेक ले लेता हूँ। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, ये जो अताउल्लाह तरड़ साहब कह रहे हैं कि डोनल्ड लू ने जो बयान दिया है अमेरिकी कांग्रेस की फॉरेन रिलेशंस कमेटी में, तो उससे तो जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है वो मलिया मेट हो गया, आपका क्या ख्याल है? देखिए मेरे ख्याल से जिस तरह ताज साहब ने कहा कि इतने छोटे से लेवल के बंदे की इतनी अहमियत देना और उसको पूरे पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी बनाना, और मेरे ख्याल से ये हमें नहीं जज करता, अच्छा नहीं लगता है। हम इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि इतनी गुलामी ना करें कि एक ब्यूरोक्रेट बात करे उस पर यहाँ हम शादियाने बजाएं। ये पहले हंसते हैं, खुशी करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, बाद में फिर इनको समझ आती है जो उन्होंने इलेक्शन के हवाले से कहा है। मेरे ख्याल से इसको भी देखना पड़ेगा कि जो इलेक्शन हुए हैं मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अवाम इस पर गवाह, हमें पाकिस्तान को अहमियत देनी चाहिए ना। पाकिस्तानी अवाम क्या कह रही है इस इलेक्शन के बारे में, आप क्या कह रहे हैं और बाकी तजियाकार क्या कह रहे हैं। तो हमें तो अपने इदारों को अहमियत देनी चाहिए, अपने लोगों को अहमियत देनी चाहिए। पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि धांधली हुई है, पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि मैंडेट चोरी हुआ है, और ये बस उधर के डोनल्ड लू ने कहा है कि जी इलेक्शन में कोई ऐसी बड़ी गड़बड़ नहीं हुई है। तो हम इस पर बैठ जाएँ कि डोनल्ड लू ने क्या कहा है। देखिए हम इतने गुलाम बन चुके हैं कि हमारे लिए ईरान सस्ती गैस देने के लिए तैयार है, मायदा हो चुका है, वो अपनी पाइपलाइन पूरी कर चुके हैं। हम यहाँ खौफजदा हैं कि अमरीका हमसे नाराज़ हो जाएगा। इमरान खान रूस गया कि वहाँ से तेल ले लें सस्ता, अब वापस आया तो जी सारे इकट्ठे हो गए कि जी ये तो अमरीका नाराज़ हो जाएगा, पता नहीं पाकिस्तान के साथ क्या हो जाएगा। ये चीज़ें हमें ख़त्म करनी पड़ेगी, ये खौफ ख़त्म करना पड़ेगा। ये साइफर की बात तो इमरान खान ने उस जेल जाने से पहले ही कह दिया था कि ठीक है अमरीका इसमें मुलविस नहीं है, तो फिर इस पर बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो कुछ हुआ पाकिस्तान में हुआ, और जो बेनिफिशरी है वो भी सबको पता है इस इलेक्शन के बेनिफिशरी कौन है। और उस वक्त जो इमरान खान को क्यों हटाया गया कि जी महंगाई है, जी ये ताल्लुकात सही नहीं, अब ताल्लुकात के लिए अब इसाक डार को लाया है, वो पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करेंगे, जिसने मईशत का बेड़ा गर्क किया, जो एक्सपर्ट थे मईशत के, तो अमूर खारजा की उनके पास कौन से एक्सपर्ट है। अच्छा आपने जो अब आप देखेंगे कि आप आगे क्या होता है। ईरान की गैस पाइपलाइन का आपने जिक्र किया तारड़ साहब, उसका भी कल फॉरेन रिलेशंस कमेटी के इजलास में जिक्र हो रहा था, सवाल हो रहे थे, जवाब दिए जा रहे थे। ये पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन, ये हमारा और ईरान का मामला है, इसमें अमेरिका कौन होता है तबसरा करने वाला। देखिए मैं ये समझता हूँ कि पहली बात जो शौकत यूसुफज़ई साहब ने की, डोनल्ड लू को कौम से मुतारफ़ तो इन्होंने कराया ना, हम तो नहीं जानते डोनल्ड लू कौन है। इन्होंने कहा कि डोनल्ड लू ने ये कह दिया है कि हम तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे। इमरान खान साहब के मुँह से मैंने डोनल्ड लू का नाम सुना है। अगर वो इतना छोटा ब्यूरोक्रेट है जिसकी कोई अहमियत नहीं है, तो फिर इनके पार्टी के चेयरमैन उसका जिक्र खैर जलसों के अंदर क्यों करते थे, अपने लेवल के किसी बंदे का जिक्र करते। तो इस डोनल्ड लू को पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाना, उसको अहमियत देना, वो कारनामा इमरान खान साहब बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी पार्टी का है। देखिए जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी होती है ना, वो तमाम तर चीज़ों पर तबसरा कर सकती है और इस पर फॉरेन ऑफिस बेहतर कॉमेंट करेगा। बट कल जब सवालों जवाब हुए, पब्लिक एट लार्ज बैठी थी, ओपन हियरिंग थी, तो उन्होंने कोई कमेंट किया तो मैं समझता हूँ कि कर सकते हैं, हम भी बैठ के यहाँ पे 100 कमेंट्स करते हैं, मगर ऑब्वियसली जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं उसको हम बेहतर जानते हैं। मगर हम ये चाहते हैं मीर साहब, देखें हमारे तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं। बुनियादी बात यह है कि सियासी बयानिए को बुनियाद बना के किसी मुल्क से ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहिए, उससे नुकसान आवाम का होता है और पाकिस्तान के मफाद। ये आपने बात बिल्कुल सही की है, मैं आपसे इतफाक़ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस पे बात करूँ हमें साहब जी, जल्दी से कर लें। मैं इस पर तो मैं देखें, ये या तो अमेरिका हमें कोई डॉलरों की बारिश कर रहा है इस पाकिस्तान के ऊपर, सिवाय कर्जा देने में हेल्प हो जाती है, और ये हम सारे खुश हो जाते हैं कि जी अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, हमें सस्ती गैस मिल रही है, सस्ता तेल मिल रहा है, हम उसके लिए जाने के लिए। इंडिया क्यों कर रहा है, इंडिया भी तो हमारे साथ है ना, वो रूस का बड़ा साथी है, लेकिन वो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात अपने बुनियाद पर रखता है। हम क्यों इतने गुलाम बने? बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर फिर तय करें आप लॉबिंग फॉर्म हायर नहीं करेंगे अमेरिका में, आप वहाँ पे लॉबिंग नहीं करेंगे, फिर आज के बाद आप तय करें। ये बात है, डॉलरों की बारिश नहीं चाहिए और रियासती पॉलिसियां दुरुस्त करें इंशाल्लाह। ताज हैदर साहब कह रहे हैं कि ये चीजें, ताज हैदर साहब कह रहे हैं ये छोटी चीजें, हमें डॉलरों की बारिश नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अतौल्लाह तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब, शुक्रिया जनाब शौकत यूसुफज़ई साहब। और प्रोग्राम के एंड में मैं सिर्फ यही गुजारिश करूँगा कि हमारे जो पाकिस्तान के मोहतरम सियासी कायदीन हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी जो सियासत है उसमें जो पाकिस्तान और कुछ दीगर ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उसको इन्वॉल्व ना ही किया करें तो अच्छी बात है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसको बीच में लाना मुनासिब नहीं है, और जो पाकिस्तान की जो रियासत है उसको भी चाहिए कि वो पाकिस्तान का जो कौमी मुफाद है उसको सामने रखे और किसी दूसरे मुल्क के दबाव में आकर किसी तीसरे मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब ना करे। अगर पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के ज़रिए एक दूसरे के अवाम का भला करना चाहते हैं। पाकिस्तान सस्ती गैस लेना चाहता है ईरान से, तो ज़रूर लेनी चाहिए और किसी बैरूनी मुल्क को ये हक हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान को ईरान से सस्ती गैस लेने से रोके। कोई गैर मुल्की दबाव कबूल नहीं किया जाना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।